भीषण गर्मी के चलते डोईवाला के रानी पोखरी में पानी का संकट गहराने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने विभागीय मंत्रियों को पानी के संकट के दर्जनों लेटर लिखे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक गांव में दूसरा पानी का टैंक नहीं बन जाता, तब तक पंचायत में पानी की समस्या बनी रहेगी। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। चल रही है और सिंचाई के पानी से जो पीने का पानी पेयजल चला रहे हैं, जबकि सिंचाई का पानी है तो हमें बहुत समय से इसकी मांग है, 2000 कितने मतलब ट्वेल की बहुत पुरानी समय से मांग चल रही है कि है टैंक और ट्वेल की, लेकिन यहाँ पे अभी तक इसका कोई इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। जिसके हमारे प्रधान जी 7 बजे से यहाँ पे लगे हुए हैं, सुधीर तुरी जी 7 बजे के आए हुए हैं, तो ऐसे शायद क्षेत्र में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो सुबह 7 बजे से जनता के साथ बीच लगा हो। समस्या की आबादी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, 200 कनेक्शन अभी मार्च महीने में दे दिए, जबकि मार्च के अंदर 200 कनेक्शन दे दिए और पानी वही है जो पहले से चल रहा है।